दोस्तों ये एमएस वर्ड ट्यूटोरियल का पार्ट नंबर 8 है। दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे किस तरीके से जो है आप लेआउट डिजाइन कर सकते हैं, किस तरीके से कॉलम ऐड कर सकते हैं पैराग्राफ में, ये सब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों अगर एमएस एक्सेल ट्यूटोरियल सीरीज का अगर आपने पार्ट नहीं देखा है तो वो भी जो है आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के इसमें लिंक में दे दिया हूं, वहां से भी आप देख सकते हैं, या फिर आप जो है मेरे प्ले चैनल के प्लेलिस्ट में जाके जो है वहां से एमएस एक्सेल ट्यूटोरियल पूरी कंप्लीट जो है आप देख सकते हैं, नहीं तो इस आइकन पे क्लिक करके जो है आप एमएस एक्सेल ट्यूटोरियल कंप्लीट सीरीज जो है देख सकते हैं। प्रिंट प्रीव्यू हटा दिया मैंने और लेआउट में जाऊंगा। यहाँ पे लेआउट मेरे इसमें नाम है, आपके केस में यहाँ पे पेज लेआउट ये मेनू नाम हो सकता है, जिसमें आपको मार्जिन मिलेगा, ये ऑप्शन हमने देख लिया, बताने की जरूरत नहीं। ओरिएंटेशन हमने देख लिया, पेज को लैंडस्केप करना है और पेज को पोर्ट्रेट यानी वर्टिकल पेज करना। साइज हमने देखा, पेज को A4 साइज यहाँ से रख सकते हैं। यहाँ पे कॉलम ऑप्शन जो प्रिंटिंग में नहीं था जो यहाँ पे देखेंगे हम अभी, तो इसके लिए मैं ये पहले हटा देता हूँ कॉलम ऑप्शन के लिए और मैं यहाँ पे पैराग्राफ ले लेता हूँ। अब इस पैराग्राफ को दो कॉलम में कन्वर्ट करना है, तीन कॉलम में कन्वर्ट करना है। पैराग्राफ को बॉटम टू टॉप सेलेक्ट करना है, ऐसे बॉटम टू टॉप सेलेक्ट कीजिए, कॉलम्स में जाइए, 3 कॉलम्स, वाओ इंटरेस्टिंग। लेकिन ये आगे पीछे आ रहा है, सो कंट्रोल जे कीजिए, जस्टिफाई, पता है ना जस्टिफाई, कंट्रोल जे दे दीजिए, जस्टिफाई। कॉलम न्यूज़पेपर में होते हैं वैसे कॉलम्स यहाँ पे आ जाएंगे, देखिए लेफ्ट टू राइट कॉलम, राइट टू लेफ्ट 3 कॉलम, इसके अलावा भी मोर कॉलम्स है जहाँ पे 3, 4, 5 ऐसे आप ज़्यादा कॉलम्स भी ले सकते हैं, जितने कॉलम चाहिए उतने, 4 लाइन चाहिए तो 4, तो आपके ऊपर एक कॉलम नहीं चाहिए तो 1 कॉलम, राइट। कॉलम के अलावा यहाँ पे ब्रेक्स भी हैं, मतलब आप यहाँ पे ब्रेक चाहते तो पेज ब्रेक देखा था ना हमने, वैसे कि यहाँ पे लाइन ब्रेक, कॉलम ब्रेक, पेज ब्रेक है, पेज ब्रेक करेंगे तो नए पेज पे आप आ जाएंगे, ये तो आप समझ गए। और कॉलम ब्रेक करेंगे तो एक दूसरे कॉलम में आप चले जाएंगे, अगर आपके पास 2 कॉलम है तो एक कॉलम में टेक्स्ट है तो नेक्स्ट कॉलम में वो टेक्स्ट चला जाएगा, यही होता है कॉलम ब्रेक वगैरह। सो लाइन नंबर्स यहाँ पे आप दे सकते हैं, चलिए कंटिन्यूस लाइन नंबर देना है, आ गया लाइन नंबर्स, है ना इंटरेस्टिंग। लाइन नंबर्स भी दे सकते हैं, कौन से लाइन पे क्या लिखा देखने के लिए, हर एक पेज पे लाइन नंबर स्टार्ट होना चाहिए तो ये भी दे सकते हैं। नन करना है लाइन नंबर, नन। लाइन नंबर्स आपने दिया और आप चाहते हैं कि यहाँ पे इस पैराग्राफ को लाइन नंबर ना आ जाए एक पर्टिकुलर लिस्ट के लिए, पर्टिकुलर पैराग्राफ के लिए, सो लाइन नंबर में जाओ, सप्रेस फॉर करंट पैराग्राफ, यहाँ से माइनस होगा 1 to 6, फिर 7 यहाँ से स्टार्ट होगा। ये सारी चीज़ें आपको करके ज़रूर देखनी चाहिए। और लाइन नंबर्स को मैं हटा दूंगा और यहाँ पे मैं नन करूँगा, लाइन नंबर्स हटाने के लिए नन करना है, नन बटन पे क्लिक कर देना। लेकिन आगे हाइपेनेशन क्या है, हाइपेनेशन में जैसे क्लिक करूँगा यहाँ पे आएगा ऑटोमेटिक हाइपन ये बटन, लेकिन यहाँ पे कुछ चेंजेस नजर नहीं आएंगे ऑटोमेटिक हाइपन में, देखो नन करूँगा तो भी कुछ चेंजेस नहीं इसमें। तो ये ऑटोमेटिक हाइपन कब काम करता है, जब आपका सपोज यहाँ पे एंडिंग में कोई बड़ा वर्ड है, जैसे यहाँ पे देखो अभी मैंने एक वर्ड डिलीट कर दिया, सो AP दिखाई दे रहा है डैश करके अप्लाई करके आ रहा है ना अप्लाई, सो ऑटोमेटिक हाइपन आने का चांसेस इसकी वजह से। अगर मैं नन रखूंगा तो अप्लाई वर्ड नीचे चला जाएगा, दिख रहा है। और ये जस्टिफाई पहले हटा देता हूँ मैं, कंट्रोल जे, ये जस्टिफाई हटा दिया मैंने, कंट्रोल एल कर देता हूँ इसको, लेफ्ट अलाइनमेंट। तो हाइपन आपको अभी देखो हाइपनेशन ऑटोमेटिक, लेफ्ट अलाइनमेंट में ज़्यादा हाइपनेशन ऑटोमेटिक ऐड होते हैं। गैलरी के आगे देखो हाइपन ऐड हो रहा है, पिक्चर के आगे देखो हाइपन ऐड हो रहा है, और ये नीचे हाइपन, तो जाओ हाइपनेशन में और नन करो, बस नन, ओके दैट्स इट। ये बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे आपको बस हाइपनेशन पे क्लिक करना है, आपको समझ में। अब यहाँ पे कुछ और ऑप्शन है जैसे इंडेंट बढ़ाने हैं, अब तो ऐसा पैराग्राफ में, ये तो मैंने पहले होम टैब में भी बताया था, अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो राइट इंडेंट भी है यहाँ पे, लेकिन होम टैब में राइट इंडेंट नहीं था, यहाँ पे राइट इंडेंट भी है, राइट से भी बढ़ाओ लेफ्ट से भी बढ़ाओ, यहाँ पे स्पेस, यहाँ पे स्पेस, पैराग्राफ को कंट्रोल जे करो एक लाइन में आ जाएगा, कंट्रोल जे याद रखिए। पैराग्राफ की ऊपर स्पेसिंग देना है, इस पॉइंट को बढ़ाओ, पैराग्राफ के नीचे स्पेसिंग देना है, इस पॉइंट को बढ़ाओ, है ना इंटरेस्टिंग, ओके। सो ये बहुत छोटे छोटे ऑप्शन है और इसलिए मैं क्विकली बता रहा हूँ। अब ये पोजीशन हाईलाइट क्यों नहीं है, क्योंकि हमने ऑलरेडी पोजीशन सीखा है, अब आपको मैं दोबारा याद दिला देता हूँ पोजीशन कहाँ पे है। इंसर्ट में जब हम पिक्चर या शेप इंसर्ट करते थे तो इस शेप का पोजीशन वगैरह सेट करने के लिए हमें फॉर्मेट टूल बार आता था, ये रैप पोजीशन वगैरह, राइट, और ये रैप टेक्स्ट वगैरह, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दोबारा है, तो इसीलिए बताने की जरूरत नहीं मुझे। रैप टेक्स्ट पोजीशन, सेंड टू बैक, ब्रिंग टू फ्रंट, रिवाइंड करके वीडियो में देख सकते हैं, फॉर्मेट टैब में ही आता था। सो ये था पेज लेआउट टैब, अब बढ़ते हैं रेफरेंसेस टैब। और दोस्तों ये वीडियो कैसा लग रहा है आपको, अगर सही लग रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर लें, और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। सो गाइस फाइनली रेफरेंसेस टैब चालू करते हैं, और ये भी कमाल की चीज़ है, लेकिन इसमें ज़्यादा कुछ ये नहीं है, मेहनत नहीं है, बहुत कम मेहनत है, यानी कि फटाफट समझ में आएगा आपको रेफरेंसेस टैब। और साथ ही मैं ये बताऊं कि रेफरेंसेस टैब जब भी हमें रेफरेंसेस तैयार करने तब यूज़ होता है, मतलब रेगुलर तो यूज़ नहीं है। जैसे हमें इंडेक्स तैयार करनी है तो हमें रेफरेंसेस टैब की जरूरत पड़ती है, यहाँ पे इंडेक्स के लिए टेबल ऑफ कंटेंट्स ये ऑप्शन दिया है आपको। सो कैसे मैं आपको बताऊँ, सपोज आप एक नोट्स लिख रहे हो और नोट्स आप फर्स्ट पेज से तो नहीं स्टार्ट करोगे, फर्स्ट पेज पर मुझे इंडेक्स लेनी है ऐसा समझो, तो मैं नेक्स्ट पेज पे चला जाता हूँ, कंट्रोल एंटर, देखिए कंट्रोल एंटर बटन प्रेस करने के बाद मैं नेक्स्ट पेज पे आया हूँ। और इसके लिए मैं यहाँ पे सपोज मैंने चैप्टर 1 लिख दिया, अभी आपको ये डिटेल में समझ में आएगा, आप चैप्टर 1 लिखो और यहाँ पे लिखो स्टोरी ऑफ किंग, ये आपका चैप्टर 1 है और इसमें आपने कुछ स्टोरी लिख दी है, मैं कुछ एग्जांपल के लिए स्टोरी ले रहा हूँ। फिर मैं कंट्रोल एंटर करूँगा, मैं 2 ही चैप्टर लूँगा आपको समझाने के लिए, चैप्टर 2 लेता हूँ और यहाँ पे ले रहा हूँ स्टोरी ऑफ प्रिंसेस, सो स्टोरी ऑफ किंग, स्टोरी ऑफ प्रिंसेस, ऐसा मैंने कुछ ले लिया है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, चैप्टर जो लिखा है मैंने इसके नीचे भी मैं कुछ यहाँ पे कंटेंट ऐड कर देता हूँ।
ओके सो यहाँ पे मैं इस तरह से कंटेंट ऐड नहीं हुआ है, हो गया। चैप्टर वन और चैप्टर टू, इन दोनों को, चैप्टर टू को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे जो ऐड टेक्स्ट दिखाई दे रहा है ना ऑप्शन, इसमें ऐड टेक्स्ट के अंदर मैं कर रहा हूँ यहाँ पे लेवल दिखाई दे रहा है, लेवल 1, 2, 3 ऑप्शन है, लेकिन मैं इसके लिए लेवल 1 ले लूँगा। यहाँ पे लेवल 1 जो ऑप्शन हाईलाइट दिखाई दे रहा है आपको, वो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। सो मैं ऐड टेक्स्ट में लेवल 1 पे क्लिक करूँगा इसको, और चैप्टर 1 को भी मैं लेवल 1 ही दूंगा। अब लेवल 2 किसे देते हैं, अगर चैप्टर, ये देखिए मैं इसे लेवल 1 कर रहा हूँ, लेवल 1 अलग फॉर्मेटिंग में आया। अच्छा, लेवल 2 किसे देते हैं, अगर चैप्टर 1 के अंदर अगर कोई पोर्शन है, जैसे पार्ट 1, पार्ट 2 ऐसा कुछ है चैप्टर 1 के अंदर भी, तो उसे हम लेवल 2 देंगे। और उस पार्ट 1 के अंदर और कुछ सब हेडिंग्स है, इसके हेडिंग्स के अंदर हेडिंग्स बोलते हैं ना, सब हेडिंग्स है, तो उसे हम देंगे लेवल 3। फिलहाल तो हमारे पास लेवल 2 और लेवल 3 के कंटेंट ऐसे कुछ है नहीं है चैप्टर 1 के अंदर, या चैप्टर 2 के अंदर भी नहीं है, तो इसलिए मैंने नहीं दिया है। अगर आपके पास ऐसे कुछ कंटेंट है तो आप दे सकते हैं, फिलहाल मैंने नहीं दिया। तो आपको अभी करना क्या, एक नंबर पेज पे आना है, कर्सर रख देना है और टेबल ऑफ कंटेंट्स पे जाकर यहाँ पे देखिए ड्रॉप डाउन में अलग अलग ऑप्शंस आएंगे, इसमें से कोई भी एक टेबल ऑफ कंटेंट आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने ये पहला वाला ही ले लिया, ये अच्छा लग रहा है मुझे। चलिए अब देखिए यहाँ पे लिख के आ रहा है कंटेंट्स, और स्टोरी ऑफ किंग 2 नंबर पेज पे, स्टोरी ऑफ प्रिंसेस 3 नंबर पेज पे। तो ये इंडेक्स यहाँ पे रेडी हो गया है। इसका बेनिफिट ये होता है कि अगर आपके पास 100 पेजेस भी है तो यहाँ पे इंडेक्स रेडी हो जाएगा ऑटोमेटिकली। सेकंड थिंग, अगर आपने कंटेंट बढ़ा दिए, सपोज 2 नंबर पेज में आपने कंटेंट आगे जाकर बढ़ा दिए और बहुत ज़्यादा कंटेंट लिए, 20.20 मतलब यहाँ पे 10 पेजेस के कंटेंट आगे लगभग 20.20 में हमें 9 पेजेस मिलते हैं, तो यहाँ पे ज़्यादा कंटेंट आगे तो यहाँ पे ऊपर आ जाना है। अभी ज़्यादा कंटेंट है हमारे पास 2 नंबर स्टोरी में, तो अब मैं यहाँ पे बस अपडेट टेबल, ये बटन जो दिखाई दे रहा है ना ऑप्शन, ये अपडेट टेबल होगा, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा अपडेट टेबल वाला ऑप्शन पे, राइट। सो अपडेट टेबल पे आप क्लिक कीजिए और अपडेट पेज नंबर और अपडेट एंटायर टेबल, एंटायर टेबल मैं इस डायलॉग बॉक्स में सेलेक्ट करूँगा। नाउ यू कैन सी क्या रहा है, स्टोरी ऑफ प्रिंसेस अभी 11 नंबर पेज पे चले गए। तो आपको यहाँ पे इंडेक्स में बार बार पेजेस बदलने की जरूरत नहीं है, अगर आपके पास 15-20 चैप्टर है तो ये डायनेमिक हो जाता है ना, ऑटोमेटिकली आपको बस अपडेट मिल जाएगा। आपने अगर कोई भी स्टोरी, मतलब आपने पेज नंबर एक पेज बीच में बढ़ा दिया स्टोरी के अंदर, तो भी कोई इशू नहीं होने वाला है। सो इस तरह से टेबल ऑफ कंटेंट बनाइए, रेफरेंसेस का यूज़ करना सीखिए। ये होने के बाद हम फुट नोट्स की तरफ जाएंगे। अभी फुट नोट होता क्या है, दरअसल ये मेरा चैप्टर 1 है और इसमें जो भी वर्ड ऐसा है कि इसमें बारे डॉक्यूमेंट के बारे में, डॉक्यूमेंट के बारे में मुझे क्या करना है कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिखनी है। सो मैं क्या करूँगा, इंसर्ट फुट नोट, मैं काम करता हूँ पहले इंडेक्स गायब ही कर देता हूँ, क्योंकि हमें अभी एक एक पार्ट को सीखना है, तो इसे डिलीट कर देते हैं। दोस्तों ये वीडियो कैसा लग रहा है आपको, अगर सही लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर लें, और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी दबाएं और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। और दोबारा डॉक्यूमेंट लिख लेता हूँ, और यहाँ पे सपोज इस वर्ड के बारे में, पावरफुल के बारे में एक इन्फॉर्मेशन लिखनी है। सो पावरफुल के बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिखनी है, तो पावरफुल के आगे कर्सर रखो, इंसर्ट फुट नोट पे क्लिक करो, पेज के बॉटम में यहाँ पे आपको फुट नोट ऐड करने के लिए आएगा। पावरफुल के बारे में आप लिख सकते हैं यहाँ पे, पावरफुल मीन्स ओके, तो इस तरह से आप लिखो। और अभी आप देख सकते हैं माउस पॉइंटर यहाँ पे लाइए, यहाँ पे दिखाई देगा पावरफुल मीन्स वेरी स्ट्रॉन्ग, और यहाँ पे 1 लिख के आ रहा है। यहाँ पे नोटिस कीजिए, मैं जूम कर देता हूँ, यहाँ पे दिख रहा है 1, और उसके ऊपर माउस पॉइंटर अगर आप रखते हो तो ऊपर लिख के आएगा पावरफुल वेरी स्ट्रॉन्ग। ओके, सो आप ऐसे फुट नोट और भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि आपको प्रोफेशनल के लिए ऐड करना है तो इनसेट फुट नोट देखिए 2, और यहाँ पे आप प्रोफेशनल के लिए कुछ मीनिंग लिखना चाहते हैं, मैंने लिखा, आप लिखो। यहाँ पे अगर आपने पहले ऐड कर दिया ना प्रोवाइड्स के लिए ऐड कर दिया, तो इसका नंबर 2 हो जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट के ऑर्डर के हिसाब से जाएगा। इंसर्ट फुट नोट, तो अभी प्रोवाइड्स के लिए 1 नंबर के लिए आ रहा है, दिखाई दे रहा है, और 1 नंबर उसको आ जाएगा, 2 नंबर इसको हो जाएगा, 3 नंबर जो बाद में उसका ऐड होता जाएगा। सो ऐसे फुट नोट ऐड करते हैं, और उसमें ही एंड नोट भी है। तो एंड नोट क्या होता है, जैसे डॉक्यूमेंट के बारे में कुछ मुझे लिखना है, तो एंड नोट एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट आएगा। अभी मेरा ये डॉक्यूमेंट कहाँ पे एंड हो रहा है, ये तो पहले पेज पे एंड हो रहा है, अगर ये 5वें पेज पे एंड होगा ना तो मेरा एंड नोट 5वें पेज पे चला जाएगा, याद रखिए। एंड नोट एंड ऑफ द पेज आता है, और फुट नोट बॉटम ऑफ द पेज आता है, सॉरी एंड नोट जो होता है, ध्यान से सुनिए, एंड नोट एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट आता है, एंड ऑफ द पेज नहीं आता है। ये डॉक्यूमेंट का जो एंडिंग है ये यहाँ पे एंडिंग है, अगर ये 5वें नंबर पेज पे एंडिंग है तो वहाँ पे चला जाएगा एंड नोट, और फुट नोट पेज के बॉटम में आता है, हर एक पेज के क्या आता है बॉटम में आता है, उसे फुट नोट बोलते हैं। सो एंड नोट को मैं ऐड करके दिखाता हूँ, यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, इंसर्ट एंड नोट, इस डॉक्यूमेंट के बारे में यहाँ पे ऐड करने के लिए आएगा, डॉक्यूमेंट मीन्स फाइल एंड समथिंग लाइक दिस। सो इट इज जस्ट लाइक फुट नोट, वैसे ही है, बट एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट आता है, इतना याद रखना, एंड नोट नाम याद रखो। और कोई भी फुट नोट पे जंप करना है, एंड नोट पे जंप करना है, तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट फुट नोट है, नेक्स्ट प्रीवियस फुट नोट, नेक्स्ट एंड नोट, प्रीवियस एंड, आप यहाँ से जंप कर सकते हैं, आपको जंप करना है तो। शो नोट्स भी है यहाँ पे, राइट, शो नोट्स डायरेक्टली, सो व्यू फुट नोट एरिया, व्यू एंड नोट एरिया, जैसे आप शो नोट्स करोगे फुट नोट एरिया आ जाएगा। फुट नोट को आपको गायब करना है, हटा देना है, बस आपको करना क्या है, यहाँ पे 1 पे क्लिक करना है, इसे डिलीट करना है। अगर मैं यहाँ से 1 डिलीट करता हूँ तो नीचे देखिए गायब, राइट, और ऑटोमेटिकली इसका नंबर 1 चला गया। आप इसे डिलीट करते हो तो यहाँ पे ये गायब हो जाएगा इस तरह से। सो फुट नोट और एंड नोट तो आपको समझ में आया होगा। अब मैं इसे करता हूँ डिलीट, और दोबारा पैराग्राफ ऐड करके इंसर्ट सिटेशन के बारे में बताऊँ। रेफरेंसेस टैब में ये जो छोटे छोटे ऑप्शन है ज़रा जान लो बस। इंसर्ट सिटेशन अगर ऐड करना है तो मुझे पहले ऐड न्यू सोर्स करना होगा,
और ऐड न्यू सोर्स में क्लिक करके यहाँ पे हम बुक या फिर कोई ऑथर का डिटेल्स यहाँ पे रख सकते हैं, जैसे बुक सेक्शन, जर्नल आर्टिकल, आर्टिकल इन प्रोफेशनल, बहुत सारी चीज़ें, आप वेबसाइट के बारे में या फिर मूवी केस, अलग अलग चीज़ों के बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन लिखनी है, आपका क्या है, आपका बुक सेक्शन के बारे में इन्फॉर्मेशन लिखनी है, आपका कोई केस स्टडी है तो उसके ऊपर, आपके कोई फिल्म है तो या फिर इंटरव्यू है तो फिल्म अगर आप लेते हो तो फिल्म में टाइटल क्या है, फिल्म का डायरेक्टर कौन है, ईयर कौन से साल का, इसकी डिटेल्स आप रख सकते हैं। सो अगर आप दूसरा कुछ लेते हैं, जैसे मैं यहाँ पे बुक का लेता हूँ, तो बुक में क्या था, ऑथर नेम, जैसे मैंने आपको बताया कि अलग अलग बुक का नाम यहाँ पे आप ले सकते, ऑथर का नाम ले सकते हैं, रॉबिन शर्मा मैंने लिया, मंक सोलिस फरारी, सो यहाँ पे मैंने लिख दिया, और 2005 का बुक है, यस सिटी, सपोज उन्होंने कहाँ पे लिखा है बुक, और पब्लिशर वगैरह कौन है वो नाम लिख सकते हैं आप। ओके करेंगे आप, तो यहाँ पे क्या आएगा, देखिए शर्मा 2005 आएगा, लेकिन आप पूरा बिब्लियोग्राफी ऐड करना चाहते हैं, मैंने उसे डिलीट कर दिया है। बिब्लियोग्राफी ऐड करना चाहते तो बिब्लियोग्राफी में जाइए, यहाँ पे क्लिक कीजिए, जो अभी हमने ऐड किया था ना बिब्लियोग्राफी इस बुक के बारे में, मंक सोलिस फरारी आ रहा है ना, सो मे बी फरारी का स्पेलिंग मैंने गलत लिखा, लेकिन एनीवे हमें बस इसका कंसेप्ट समझना है कि बिब्लियोग्राफी क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ऐड हो रहा है, राइट। तो इंसर्ट सिचुएशन में जाकर आप यहाँ पे और न्यू सोर्सेस ऐड कर सकते हैं, अगर उन सोर्सेस को मैनेज करना है, कहीं पे एडिट करना है, कुछ भी स्पेल चेक करना है, तो यहाँ पे जाकर आप इसे एडिट कर सकते हैं, नहीं चाहिए सोर्स को तो डिलीट भी कर सकते हैं। सारी चीज़ें यहाँ पे बिब्लियोग्राफी से रिलेटेड है, और उसकी स्टाइल बदलने बिब्लियोग्राफी का, तो उस ऑप्शन से आप बिब्लियोग्राफी की स्टाइल बदल सकते हैं, यहाँ पे देखिए स्टाइल बदल गया। सो ये था दोस्तों सिटीशंस, इंसर्ट सिटीशंस एंड बिब्लियोग्राफी, बिब्लियोग्राफी ये प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं आप ही जान लो, मैंने तो बता दिया बिब्लियोग्राफी, इसे रिलेट करके। दोस्तों ये वीडियो कैसा लग रहा है आपको, अगर सही लग रहा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर लें, और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ में बेल आइकन भी दबाएं, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। क्या हम आगे बढ़ते हैं, चलिए दोबारा मैं लेता हूं इंसर्ट कैप्शन की तरफ जाते हैं। इंसर्ट कैप्शन में होता क्या है, अगर यहाँ पे आपको कोई टेबल ऐड करना है या कोई इमेज ऐड करना है तो उसे कैप्शन देना है, तो आप यहाँ से दीजिए, यहाँ से रेडीमेड कैप्शन आपको मिलेगा, देखिए फिगर 1 आ गया। सो अगर यहाँ पे फिगर 2 ऐड करना है तो इंसर्ट कैप्शन में चाहिए, फिगर 2 ऑटोमेटिक आ जाएगा, और यहाँ पे नीचे फिगर ऐड करो, लेकिन आपको जो भी इमेजेस वगैरह फिगर या डायग्राम जो भी ड्रॉ करना है, अगर आप कंट्रोल एंटर करोगे, इसे नेक्स्ट पेज पे लेते हो मैं कंट्रोल एंटर, अब यहाँ पे ऊपर मैंने पेज को ब्लैंक रखा है, देखिए कंट्रोल एंटर मतलब मैंने क्या किया, मैंने कर्सर रखा है स्टार्टिंग में, यहाँ पे कंट्रोल एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो नेक्स्ट पेज पे चला जाएगा, पहला पेज ब्लैंक हो जाएगा। ये छोटी मोटी चीज़ें जान लो, ये बहुत काम की चीज़ है, अगर आपको पैराग्राफ को नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट करना है तो उसके आगे कर्सर रखिए, कंट्रोल एंटर कीजिए, आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इंसर्ट कैप्शन जो है मैंने ऐड कर दिया, अलग अलग नाम आ जाएंगे, मैं इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स करूँगा, और यहाँ पे मैं ओके करूँगा, तो आपको फिगर 1 कौन से पेज पे, फिगर 2 कौन से पेज पे, ये आपको दिखाई देगा, है ना इंटरेस्टिंग। और अगर आपने यहाँ पे बदल दिया, चलो यहाँ पे मैंने कर्सर रख दिया ऊपर, कंट्रोल एंटर किया तो नेक्स्ट पेज पे चल जाएंगे आप, राइट। तो अभी आप पेज नंबर 3 पे चला गया है फिगर 2, अब मुझे ये यहाँ पे नहीं दिख रहा है ना, तो यहाँ पे क्लिक करो, और क्लिक करने के बाद ऊपर देखो अपडेट टेबल, बस अपडेट करना है, अपडेट एंटायर टेबल, ओके, जैसे इंडेक्स में किया था वैसे ही है, राइट। सो यहाँ पे इंसर्ट कैप्शन क्या काम की चीज़ है आपको समझ में आएगा, इंसर्ट कैप्शन में खाली फिगर ही नहीं है दोस्तों, इंसर्ट कैप्शन में आपको यहाँ पे मिलेगा टेबल भी, आप टेबल के लिए भी टाइटल असाइन कर सकते हैं, आप इक्वेशन के लिए भी कर सकते हैं, और आप खुद का लेबल भी बना सकते हैं, आपको लगता है कि यार मुझे यहाँ पे इमेज चाहिए, इमेज तो इमेज करके टाइटल आपका आ जाएगा, या पिक्चर चाहिए पिक्चर करके टाइटल ले सकते हैं, देखिए इमेज 1, 2, 3, 4 और आपको वो मिल जाएगा। सो इट्स अप टू यू कैसे करना है, राइट। और क्रॉस रेफरेंस की बारी है, जो कि मैंने बोला था, अब जितने भी क्रॉस रेफरेंस हमने इसमें कितने फुट नोट दिए हैं, कितने बुकमार्क किए हैं, कितने इक्वेशन दिए हैं, कितने फिगर दिए हैं, वो सारे दिखाई देंगे, बस क्रॉस रेफरेंस आपको एंटायर कैप्शंस बताते हैं कौन कौन से कैप्शंस आपने ऐड किए हैं, राइट। अब यहाँ पे मार्क एंट्री एंड मार्क सिटेशंस भी है, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, इसे डिलीट करते हैं और दोबारा पैराग्राफ लेते हैं, मैं इसलिए फ्रेश पैराग्राफ ले रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब मार्क एंट्री क्या होता है, इसे मैं नेक्स्ट पेज पे लेना चाहूँगा तो क्या करूँगा दोस्तों बताओ, कर्सर मैं आगे रखूँगा यहाँ पे, और उसके बाद कंट्रोल एंटर बटन प्रेस करूँगा, कंट्रोल एंटर बटन प्रेस करने के बाद आपका पैराग्राफ तो नेक्स्ट पेज पे आ जाएगा, फिर कर्सर आप ऊपर रख सकते हैं, फिर पैराग्राफ नीचे है, तो पैराग्राफ में सपोज आपने ये पोर्शन सेलेक्ट किया और उसको आपने मार्क एंट्री किया, इस एंट्री को नाम तो आ गया वीडियो प्रोवाइड, इसको क्या नाम देना है आपको, आपके ऊपर है, करंट पेज यहाँ पे मार्क होने वाला है, और आपको जो रेंज देना है तो रेंज दे सकते हैं यहाँ पे, फिलहाल मैं इतना ही मार्क कर देता हूँ। अब जैसे आप मार्क करोगे यहाँ पे पैराग्राफ मार्किंग शो होगी, लेकिन ये पैराग्राफ मार्किंग मुझे नहीं शो करनी है, तो मैं होम में जाऊँगा, ध्यान दीजिए ये पैराग्राफ मार्किंग का जो आइकॉन है ना, मैं जरा जूम करके बता दूँ, ये आइकॉन को आपको करना है यहाँ से अनचेक, यानी ये ऑन है, बंद कर दो, पैराग्राफ मार्किंग चली गई। अब ये मैंने मार्क एंट्री यहाँ पे की, आप इसे भी मार्क एंट्री कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे मार्क एंट्री कर सकते हैं, और जब आप ऊपर कर्सर रखोगे, रेफरेंसेस में जाओगे, इंसर्ट इंडेक्स करोगे, और आपको बस ओके कर देना है, और आपको अभी देखना है कि हमने जो मार्क एंट्री किया था वो कौन से पेज पे, हमने जो टेक्स्ट लिखा है, जो मार्क किया था, सेलेक्ट किया था, वो पेज नंबर 2 पे है, ऐसा आपको बताता है यहाँ पे, समझ में। और वैसे ही मार्क सिटेशन है, मार्क सिटेशन भी आपको वही करता है, लेकिन सिटेशन में हमें यहाँ पे ये नहीं करना है, लाइक व्हाट आई एम गोइंग टू डू, यहाँ पे टेक्स्ट सेलेक्ट नहीं, हमें यहाँ पे सपोज हमने सिटेशन इंसर्ट किया रेफरेंस में से, कोई ये सिटेशन यहाँ से मैं इंसर्ट करता हूँ, बिब्लियोग्राफी या सिटेशन, और मैं इसे अभी मार्क करना चाहता हूँ, तो मार्क सिटेशन में जाओ, और इसे क्या मार्क करना है आप यहाँ पे उसे सिलेक्ट भी करके मार्क कर सकते हैं, आप इसे सिलेक्ट नहीं किया मैं सिटेशन को सिलेक्ट करता हूँ, और मार्क सिटेशन, और यहाँ पे आ जाएगा बिब्लियोग्राफी वाला सिटेशन, और इसे मार्क कर दो,
क्लोज कर दो, ये पैराग्राफ मार्किंग आ जाएगा, लेकिन हम इसे हटा देंगे पैराग्राफ मार्किंग। अब आप ऊपर कर्सर रखेंगे हमेशा की तरह, आप जाएंगे रेफरेंसेस में और इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटीज, ओके करेंगे। अब आपका बिब्लियोग्राफी कौन से नंबर पेज पे है, कौन से पेज पे है बिब्लियोग्राफी, वो दिखाई देगा। सो ये छोटी बड़ी चीज़ें जो आपको यूज़ हो सकती है क्रॉस रेफरेंसेस क्रिएट करने के लिए, लेकिन यहाँ पे रेफरेंसेस होता है खत्म। अब बढ़ते हैं मेलिंग्स की तरफ। दोस्तों अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।